फिल्म की शुरुआत में हमें एमलेट नाम के राजकुमार को दिखाया जाता है, जो अपनी माँ गुदरुन के पास आकर उन्हें खुशखबरी सुनाता है कि पिताजी युद्ध लड़कर आ रहे हैं, जो सुनकर वो उन्हें देखने जाती है। जिसके बाद एमलेट के पिता किंग ओरवंदील महल में प्रवेश करते हैं और उनके आने की खुशी में जश्न का आयोजन किया जाता है, जहां ओरवंदील से मिलने उसका भाई फ्योलनार आता है, जिसे गुदरुन शराब ऑफर करती है, जो देखकर एक आदमी कहने लगता है कि रानी उसे शराब कैसे ऑफर कर सकती है, पर फ्योलनार उसे चुप करवा देता है। अब रात को ओरवंदील गुदरुन से कहता है कि इस युद्ध के कारण मैं बहुत घायल हो चुका हूँ और शायद कभी भी मेरा आखिरी समय आ सकता है, लेकिन मैं ऐसे नहीं बल्कि लड़ते हुए मरना चाहता हूँ और मेरे बाद मेरे इस राज्य का वारिस एमलेट होगा और इसी शुभकामनाएं के लिए मैं उसे रिचुअल करवाने ले जा रहा हूँ। और इतना कहकर वो एमलेट को एक गुफा के अंदर लेकर आता है, जहाँ एक आदमी उन दोनों से काफी अजीब तरह का रिचुअल करवाता है, जिसके बाद ओरवंदील एमलेट को उसके पेट पर बने घाव को छूने को कहता है, जिसके छूते ही उसे अजीब विजन आने लगते हैं और उस विजन में एमलेट को ओरवंदील के दिल से जुड़ी नसों में उसके खानदान के पूर्वज दिखाई देते हैं, जिनमें ओरवंदील भी शामिल होते हैं। और फिर रिचुअल पूरा होने के बाद वो दोनों गुफा के बाहर आ जाते हैं, पर तभी फ्योलनार और उसके सिपाही ओरवंदील पर हमला करने उसकी तरफ बढ़ते हैं, इसलिए वो तुरंत एमलेट को वहाँ से भगा देते हैं, जिसके बाद फ्योलनार और उसके सिपाही वहाँ आकर ओरवंदील को मार देते हैं ताकि फ्योलनार नया राजा बन सके, पर ये सारी चीजें छुपकर एमलेट देख लेता है, इसलिए फ्योलनार एमलेट को भी खत्म करने का आदेश दे देता है, जो देखकर एमलेट वहाँ से भाग जाता है। वहीं फ्योलनार गुरुदर्म को भी उठाकर अपने साथ ले जाता है और तब एक सिपाही आकर उससे झूठ कहता है कि एमलेट अब मर चुका है ताकि उसे ढूंढना ना पड़े, और वहीं मौका देख एमलेट वहां से भाग जाता है। लेकिन यहां से निकलते हुए वो कसम खाता है कि इन सब का बदला वो सूट समेत फ्योलनार से लेकर रहेगा। अब ये सीन कट होकर कुछ साल बाद के समय पर मुड़ जाती है, जहाँ एमलेट अब बहुत बड़ा हो चुका है, पर वो ऐसे लोगों के ग्रुप का गुलाम है जो सभी छोटे छोटे इलाकों में जाकर उसे लूट लेते हैं। वहीं अगले दिन एमलेट और उसके साथियों को एक और इलाके में ले जाया जाता है, जहां सभी उस इलाके के लोगों पर हमला शुरू कर देते हैं और उन्हें मारने के बाद उस इलाके पर कब्जा कर लेते हैं। लेकिन ये सब एमलेट को बिल्कुल पसंद नहीं होता, पर फिर भी वो मजबूरन ये सब कर रहा था। अब रात को जब एमलेट बाहर टहल रहा होता है कि तभी उसे एक झोपड़ी से कुछ आवाजें सुनाई देती है, इसलिए वो वहां जाकर देखता है, जहां उसे एक जादूगरनी दिखाई देती है जो भविष्य बता सकती है। वो एमलेट को चेतावनी देती है कि तुम अपने लक्ष्य से भटक रहे हो, क्योंकि तुम्हारे जीवन का जो उद्देश्य है तुम्हें उसे पूरा करना चाहिए, और वो उसे फ्योलनार की लोकेशन भी बता देती है। साथ ही वो उसे एक बुरी खबर भी देती है कि तुम कभी राजा नहीं बन पाओगे, लेकिन जब तुम मरोगे तो वहां से किसी दूसरे के राजा बनने का सफर शुरू हो जाएगा, जो सुनकर एमलेट हैरान हो जाता है। और अब इतना बताकर वो जादूगरनी वहां से गायब हो जाती है। अब अगले दिन एमलेट को एक गुलाम से पता चलता है कि फ्योलनार अब राजा नहीं है, उसके राजा बनने के बाद हेरल्ड नाम के राजा ने उससे राज्य छीन लिया, और तब से फ्योलनार आइसलैंड के एक छोटे इलाके में रहता है। इसलिए अब एमलेट तुरंत एक नाव में सवार हो जाता है, जिसमें गुलामों को फ्योलनार के इलाके में भेजा जा रहा है, जहां एमलेट को एक फीमेल गुलाम ओल्गा भी दिखाई देती है, जो झाड़ फूंक करके एक फीमेल का इलाज कर रही होती है, पर रात को उनकी नाव तूफान के चपेट में आ जाती है। लेकिन जैसी ओल्गा समुद्र में गिरने वाली होती है कि भाग्य से एमलेट उसे बचा लेता है। अब अगले दिन सभी उस आइलैंड में पहुंच जाते हैं, जहां एमलेट ओल्गा को बताता है कि मैं यहाँ फ्योलनार को मारकर अपने पिता का बदला लेने आया हूँ, क्योंकि मैं इस जगह का राजा हूँ। जिस पर ओल्गा कहती कि तुम्हें देखकर मैं समझ गई थी कि तुम्हारे अंदर एक राजा वाली शक्ति है, और साथ ही तुमने मेरी जान भी बचाई है, इसलिए इस सफर में मैं तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ। जिस पर एमलेट मान जाता है और इस तरह उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। अब सारे गुलामों को फ्योलनार और उसके बेटे थोरिर के सामने पेश किया जाता है, जिसमें फ्योलनार को सबसे ज्यादा ताकत और एमलेट लगता है, इसलिए वो उसे काम पर रख लेता है और साथ ही वो उसे धमकी भी देता है कि अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिस पर फिर एमलेट मान जाता है। वहीं फ्योलनार ओल्गा को भी अपने गुलामों में शामिल करता है ताकि वो उससे एक प्रोस्टिट्यूट का काम ले सके। अब अगले दिन से ही फ्योलनार एमलेट से काफी मशक्कत भरा काम करवाता है, पर फिर भी वो अपने पिता का बदला लेने के लिए सब कुछ चुपचाप करता रहता है।
पर एक दिन वो रात के समय एक गुफा में जाता है जहाँ उसे एक विच दिखाई देता है जो एमलेट से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है और इसे पूरा करने के लिए तुम्हें एक तलवार की जरूरत पड़ेगी जो एक मरे हुए राजा के पास है। लेकिन उस तलवार की एक खास बात भी है कि वो बस गेट ऑफ हेल के पास ही मियान से बाहर निकलेगी। इसलिए अब एमलेट उस तलवार को लेने विच की बताई हुई जगह के पास आता है और वहां पहुंचने पर उसे किसी राजा का मृत शव दिखाई देता है जिसकी हाथ में वो तलवार होती है। लेकिन जैसे ही एमलेट उसे लेने जाता है वो राजा उठकर उससे लड़ना शुरू कर देता है, पर एमलेट भी उसका बहादुरी से सामना करता है और उसे खत्म करने में सफल भी हो जाता है। लेकिन तभी वो मृत राजा फिर से उसी जगह आ जाता है और जब इस बार एमलेट उससे तलवार लेता है तो वो राजा धूल में बदल जाता है जिससे तलवार आसानी से एमलेट को मिल जाती है। अब अगले दिन एमलेट ओल्गा से कहता है कि मैं जल्दी इस जगह को बर्बाद करके फ्योलनर को मार दूंगा और तुम बस सारी चीजों के लिए तैयार रहना, जिस पर वो मान जाती है। वहीं अब थॉरिर कुछ गुलामों को दूसरे राजा के सिपाहियों के साथ एक खेल खिलाता है जिसमें एमलेट भी शामिल होता है, पर इस खेल में एमलेट के ऑपोजिट वाले सिपाही जीतने के कगार पर पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी बीच में फ्योलनर और गुदुरन का बेटा गनर आ जाता है, पर जैसे ही सिपाही उस पर हमला करके उसे मारने वाले होते हैं कि तभी एमलेट उसे बचा लेता है और तब फ्योलनर गेम बंद करवा देता है। साथ ही एमलेट की बहादुरी को देखकर थॉरिर उसे सारे गुलामों का लीडर बना देता है और अब लीडर होने का फायदा उठाकर एमलेट अगले दिन से ही फ्योलनर को मारने का प्लान बनाना शुरू कर देता है। इसलिए अब वो सबसे पहले थॉरिर के कुछ दोस्तों को मार गिराता है और फिर अगले दिन जब थॉरिर अपने दोस्त के शव के टुकड़ों को लटका हुआ देखता है तो वो एकदम बौखला जाता है, जिस पर फिर फ्योलनर उसे संभालते हुए कहता है कि इसके पीछे जो भी है मैं उसे सजा जरूर दूंगा। और तभी फ्योलनर की जादूगरनी उस शव के टुकड़ों को देखकर उससे कहती है कि जिसने भी ये किया है वो यहीं तक नहीं रुकेगा, इसे रोकने के लिए मुझे एक रिचुअल करना होगा। और फिर इतना कहकर वो रिचुअल की तैयारी शुरू कर देती है। वहीं एमलेट कुत्तों की भाषा में बात करके कई सारे कुत्तों को जमा कर लेता है और साथ ही वो फ्योलनर के कुत्ते को भी अपने नियंत्रण में कर लेता है, जिससे वो कुत्ता फ्योलनर पर ही हमला कर देता है लेकिन वो खुद को बचाकर उसे मार देता है। अब अगली रात को ओल्गा एक सिपाही को नशे वाला खाना दे देती है जिससे वो वहीं बेहोश होने लगता है और तब वहाँ एमलेट आकर उस सिपाही का खेल खत्म कर देता है, जिसके बाद वो गुदरन के कमरे में जाकर उसे अपनी सच्चाई बता देता है कि वो एमलेट है, जो सुनकर वो थोड़ा हैरान हो जाती है। एमलेट अब ये भी दावा करता है कि मैं यहाँ फ्योलनर को मारकर आपको बचाने आया हूँ, पर इस पर वो कहते कि तुमने यहाँ आकर गलती कर दी, तुम नहीं जानते कि ओरवंदिल कैसा इंसान था, उसने दरअसल मुझसे शादी कभी की ही नहीं, बस मुझे प्रोस्टिट्यूट की तरह रखा था, इसलिए मैंने खुद फ्योलनर से कहकर उसे मरवा दिया। जो जानकर एमलेट एकदम हैरान हो जाता है कि इन सब में उसकी माँ भी शामिल है। इसलिए अब दुखी होकर वो कमरे के बाहर आ जाता है और सोए हुए थॉरिर को मारकर उसका दिल निकाल लेता है। अब अगले दिन फ्योलनर थॉरिर के शव को देखकर एकदम दुखी हो जाता है और तब गुदरून उसे बताती कि ये काम एमलेट का है क्योंकि वो अब भी जीवित है। जो जानकर फ्योलनर एमलेट के साथ लाए गए सारे गुलामों को मारते हुए उनसे सवाल करता है कि एमलेट कहाँ है, लेकिन किसी को भी उसके बारे में मालूम नहीं होता, इसलिए फ्योलनर सभी को खत्म करते जाता है। पर जैसे ही वो ओल्गा को मारने वाला होता है वहाँ एमलेट पहुंच जाता है जो उससे कहता है कि मेरे पास थॉरिर का दिल है और अगर तुम इसे प्राप्त करना चाहते हो तो मुझसे लड़ना होगा। जो सुनकर सभी सिपाही उसे लड़ना शुरू कर देते हैं, जिसमें पहले तो एमलेट काफी अच्छा प्रदर्शन करता है लेकिन सिपाहियों की तादाद ज्यादा होने के कारण वो कमजोर पड़ता जाता है, इसलिए आखिर में सिपाही उसे बंदी बना लेते हैं। और तब एमलेट फ्योलनर से कहता है कि ये दिल असली नहीं है, असली तो अब भी मेरे पास है। जो सुनकर सिपाही एमलेट को बांध देते हैं, जहां फिर फ्योलनर उसे बहुत मारता है और मारते हुए उसे सवाल करता है कि मेरे बेटे का दिल कहाँ है, पर वो उसे कुछ भी नहीं बताता। जो सुनकर भी फ्योलनर उसे मार नहीं सकता था क्योंकि थॉरिर के दिल के बगैर रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार नहीं हो सकता, इसलिए वो दिल ढूंढने वहां से चला जाता है। और तब एमलेट के पास कुछ रेवन बर्ड जाते हैं जो हमेशा से ओरवंदिल के पास रहते थे और फिर वो सभी बर्ड्स एमलेट की रस्सी काट कर उसे छुड़ा देते हैं, लेकिन बहुत ही ज्यादा घायल होने के कारण एमलेट वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है।
इधर फ्योलनर थक हार कर अजीब रीति रिवाज के साथ थोरीर का उसके दिल के बगैर ही अंतिम संस्कार कर देता है, जिसके बाद वो एमलेट को मारने जाता है, लेकिन वो वहाँ नहीं होता, जो देखकर उसके गुस्से का ठिकाना नहीं रहता। और वहीं एमलेट को सोल एंजल वेलकीर अपने साथ आकाश में ले जा रही होती है, लेकिन अगली पल हम एमलेट को देखते हैं जिसने ये सारी चीजें अपने सपने में देखी थी, और उसके सामने ओल्गा बैठी होती है जो उससे कहती है कि मैंने ही तुम्हें फ्योलनर के चंगुल से बचाया और अब तुम्हें सारी चीजें भुलाकर अपने जीवन के नए सफर की शुरुआत करनी चाहिए, जो समझने के बाद वो मान भी जाता है। और अब दोनों नाव में सवार होकर नए सफर के लिए निकल पड़ते हैं, और तब एमलेट को ओल्गा के गले पर बने घाव से खून निकलता हुआ दिखाई देता है, और जब वो उस खून को टेस्ट करता है तो तभी उसे एक और विजन आता है जहाँ उसे ओल्गा प्रेग्नेंट दिखाई देती है, और उसके पेट में एमलेट के जुड़वा बच्चे होते हैं जिनमें से उसकी बेटी नई रानी बनेगी, जो सुनकर वो एकदम खुश हो जाता है। और अब वो उसे कहता है कि जादूगर ने की बात सच हुई कि मेरे सफर के खत्म होने के बाद नए राजा का सफर शुरू होगा, लेकिन मुझे इनकी सुरक्षा के लिए फ्योलनर को मारना होगा। पर ओल्गा उसे अकेले जाने से मना करती है, लेकिन वो उसकी नहीं सुनता, और फिर वो नाव चलाने वालों को अपनी अंगूठी देकर कहता है कि ओल्गा की रक्षा करना, और फिर इतना कहकर वो पानी में कूद जाता है, और वहां से सबसे पहले फ्योलनर के पास बंदी बने गुलामों को छुड़ाकर गुदरों के कमरे में आ जाता है, लेकिन वहां वो उस पर हमला कर देती है, पर एमलेट उसे अपनी तलवार से वहीं ढेर कर देता है। पर तभी गनर आकर पीछे से उस पर हमला करने लगता है, और इसी बीच एमलेट का अपने बचाव में गलती से एक बार गनर को लग जाता है, जिससे वो भी वहीं पर अपना दम तोड़ देता है, जो देख कर वो बहुत दुखी हो जाता है। जिसके बाद वहाँ फ्योलनर आता है जो गुदरून और गनर को मृत देखकर एकदम दुखी हो जाता है, इसलिए अब वो एमलेट को गेट्स ऑफ हेल के पास लड़ने की चुनौती देकर वहाँ से चला जाता है। अब एमलेट फ्योलनर की चुनौती स्वीकार करके गेट्स ऑफ हेल के पास आता है, और अब जाकर उसकी तलवार मियान से निकल पाती है, और तभी वहाँ फ्योलनर आकर उससे लड़ना शुरू करता है, जहाँ उन दोनों में काफी जबरदस्त लड़ाई होती है, जिसमें पहले तो एमलेट काफी ज्यादा घायल हो जाता है, लेकिन फिर से वो पूरी हिम्मत करके उससे लड़ता है, और फिर जैसे ही एमलेट उसका गला काटता है तो उसी समय फ्योलनर उसके अंदर अपनी तलवार घुसा देता है, जिससे एमलेट भी धाराशाही हो जाता है, जहाँ फिर उसे एक नया विजन आता है जिसमें ओल्गा अपने दोनों जुड़वा बच्चों को लिए हुई थी, जिसे देखकर वो एकदम खुश हो जाता है, और फिर वहाँ वेलकिरी आकर एमलेट की आत्मा को अपने साथ ले जाती है, और फिर इसी मिक्स फीलिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक लिए धन्यवाद दोस्तों।